यूनिक एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूँ ROARO का जो पेपर था वो कहाँ से और कैसे लीक हुआ उसके बारे में। आज के न्यूज़पेपर में दे रखा है जो ROARO का जो पेपर था ये भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी देखने को मिली है STF की तरफ से। अब ये जी योगी सरकार की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, परंतु अभी इस कामयाबी को हम पूर्ण नहीं कह सकते क्योंकि ये जो पेपर था ये बड़े पैमाने पर लीक हुआ था और ये प्रिंटिंग प्रेस से एक टाइम पर लीक नहीं हुआ। इसकी जो कॉपी थी उसकी वहाँ से उसे फोटोकॉपी कराकर और हैंड रिटर्न लिखकर जो उनके क्वेश्चन आंसर थे एज इट इज़ वो सभी देखने को मिले थे। तो जो पेपर था ये बहुत ही बड़े पैमाने पर लीक हुआ है। इन जो 6 आरोपियों को मुख्य आरोपी बनाया जा रहा है। अभी इसमें से जो मेन कैरेक्टर है अभी वो सामने नहीं आया है, जो इसे ऐसा अभी और समाचार पत्रों में बात कही जा रही है। अब बात करते हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी एक गवर्नमेंट वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो लगा देनी चाहिए जिससे कि पेपरों की गोपनीयता बनी रहे और छात्रों का भी कोई नुकसान ना हो और साथ ही साथ जो सरकार है उसकी भी एक छवि अच्छे तौर पर बनी रहे। अब इसमें ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा हमारा राज्य है, उसके जो पेपर हैं बताओ वो बाहर छप रहे हैं। ARO और ARO जैसे बड़े जो पेपर हैं जो आयोग की तरफ से कराए जाते हैं उनके पेपर बताओ बाहर छपते हैं। क्या सरकार को एक संज्ञान लेना चाहिए क्या उत्तर प्रदेश का एक खुद का गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस हो, अगर पेपर लीक होता है तो उसमें सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए, सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए कि भाई अगर कोई पेपर लीक होता है तो जो यहाँ का नोडल अधिकारी या जो भी बनाया जाएगा उसकी जवाबदेही होगी। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, जो प्रिंटिंग प्रेस है वो बाहर की हैं तो पेपर सभी को कमाने की लगी हुई है, कोई बच्चों के हित के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो पेपर सभी पेपर कोई भी एग्ज़ाम ले लो आज के टाइम में, नीट हो, नेट हो और ROARO हो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो लीक हुए हैं, यूपी पुलिस हो गया, तो ऐसे जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं वो लगातार लीक पर लीक हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसे एक तरीके से जो सरकार की है नाकामयाबी के तौर पर देख सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, सरकार भी अपनी तरीके से तरफ से पूरा भरसक प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर हैं उनको कंट्रोल किया जाए और लीक की जो समस्या है उसको सबसे ज़्यादा कम किया जाए। अब इसमें अभी एक सरकार ने एक ऐसा कानून भी बनाया है जिसमें आपको 10 साल की सज़ा और लगभग लगभग आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना भी देना होगा, ऐसा भी एक कानून बनाया गया है। परंतु उस कानून में भी अभी संशोधन की ज़रूरत है। और जो ये प्रिंटिंग प्रेस की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ से जो प्रिंटिंग प्रेस है सरकार को यूपी में ही अपनी एक गवर्नमेंट जो प्रिंटिंग प्रेस है वो लगा देनी चाहिए जिससे कि क्या है जो पेपर की गोपनीयता है वो बनी रहेगी और इसकी जवाबदेही भी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपकी कुछ राय है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझे बता सकते हो। अब बात करते हैं आगे, क्या जो पेपर है बड़े तौर पर जो लीक हो रहे हैं